है गाइस, वेलकम टू हाउ टू मैजिक चैनल। दिस इज माजिद, आपका होस्ट दोस्त। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, लाइक विंडोज़ में यूज़ करते हुए अपनी पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं, वो भी डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आप अपनी विंडोज़ की ड्राइव को डिलीट कर सकते हैं। ये देख लेते हैं किस तरह से पॉसिबल है। जस्ट मूव ऑन आवर स्क्रीन। सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू माजिद यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को तमाम वीडियोज की अपडेट्स के लिए। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उसके ऊपर पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले करना है अपना माय कंप्यूटर ओपन। सिंपली अपना क्लिक करना है मैनेज के ऊपर। तो लेट्स ऑन। जैसे ही हम जाते हैं माय कंप्यूटर में, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा मैनेज। ये ऊपर ऑप्शन देखने, अगर आप किसी और पे तो आप उसके ऊपर करेंगे तो मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे आप और वेट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करें मैनेज के ऊपर और वेट करें तो एक न्यू विंडो ओपन होगा और उसके अंदर आपने जाने के बाद देखना है डिस्क मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशंस देने स्टार्ट कर देगा। लाइक कुछ इस तरह की आपको व्यू आएगा कि सबसे पहले आपकी लोकल डिस्क वन, लोकल ड्राइव वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री। मेरे पास ये एक्सटर्नल लगी हुई हार्ड, तो मैं इसको तीन पोर्शन को एक में करना चाह रहा हूँ। तो जो तीनों हैं वो उनको मैं एक में करके दिखाता हूँ। वो तीनों मैं बारी बारी डिलीट करूँगा, उसके बाद मैं एक ही लोकल ड्राइव क्रिएट करूँगा डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये देखें, आपको ये इधर शो हो रही होंगी ये वाली ड्राइव्स, तो मैं इनको सबको डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एक पार्टीशन में इसमें कन्वर्ट करूंगा। तो किस तरह से हमें एक एक करके तीनों ड्राइव को डिलीट करना पड़ेगा, ये आपने एमपीडी कर लेनी जब भी आपने डिलीट करनी हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डिलीट वॉल्यूम, तो इसके ऊपर क्लिक करें डिलीट वॉल्यूम के ऊपर और उसके बाद हम करेंगे यस। तो कुछ वेट के बाद ये हमारी डिलीट हो जाएगी और ये अनलोकेटेड होगी। हमने सेकेंड भी करनी है डिलीट और अभी हम थर्ड भी अगेन डिलीट करेंगे। ये डिलीट हो गई, देखें वो लोकेशन की जो स्पेस थी वो आपस में इक्वल हो गई। तो ये भी डिलीट करने के बाद ये एक ही हो गई। तो अभी हमने इसके ऊपर सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करना है न्यू वाला, फिर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और न्यू वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। एक दफ़ा फॉर्मेट होगी और उसके बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपने एज अ लोकल ड्राइव। अब ये सिंगल लोकल ड्राइव है, हमने बाकी ड्राइव्स को हमने डिलीट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप अपनी बाकी ड्राइव्स भी डिलीट कर सकते हैं ईजिली, कोई इशू नहीं है। अपना डिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हुए तमाम लोकल डिस्क को डिलीट करके एक पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं या इसके थ्रू दो भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है जैसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी का इशू फेस आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, हैव फन। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।